नमस्कार साथियों, पीपीएससी सॉल्यूशन पर आप सभी का स्वागत है। एडिटोरिया ने सचिवालय सहायक का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए जो सेट निकाला था वॉल्यूम टू, उसका सेट नंबर ये दो है। तो पहला सवाल है कि निम्न में से कौन सी पहाड़ी या पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा बनाती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पटकाई बूम पहाड़ियाँ। अगला सवाल है, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पेरिस फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विकल्प प्रवाल विरंजन के कारण को निर्दिष्ट करता है? महासागरीय अम्लीकरण, अत्यधिक मत्स्यन, गैर समनीय पर्यटन। तो ये तीनों जो है प्रवाल विरंजन के कारण को निर्दिष्ट करता है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। टोक्यो पैरालंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, टेक चंद। 5वां सवाल है कि विश्व में सड़क नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, द्वितीय स्थान। जो पहला है वो है आपका यूएसए, यूएसए फर्स्ट पोजीशन पे है और भारत जो है ये क्या है, सेकेंड पोजीशन पर है। अगला सवाल, निम्न में से किस देश की सीमा लाल सागर के साथ नहीं लगती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इथोपिया। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा दर्रा लद्दाख में अवस्थित नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा जो है लद्दाख में स्थित नहीं है, ये जो है आपका जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 2 की अवधि है? तो ये हो जाएगा आपका 2020 से लेकर के 2025 तक, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में से कौन सा ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आल्प्स पर्वत की सबसे ऊँची चोटी कौन सी है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, माउंट ब्लैंक। अगला सवाल है कि मणिपुर स्थित केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में हिरण की कौन सी दुर्लभ एवं विलुप्त प्राय प्रजाति पाई जाती है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, संगाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो ऑप्शन ए, बंगला। अगर हम लोग 2011 की जनगणना को देखें तो उसके अनुसार जो है भारत में हिंदी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है, उसके बाद बंगला भाषा का सेकेंड स्थान है और तीसरा स्थान क्या है, तेलुगु का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, चांदी वेलाडिला। ये सुमेलित नहीं है, चांदी के लिए वेलाडिला प्रसिद्ध नहीं है। वेलाडिला जो है ये है आपका लोहा के लिए, आयरन ओर के लिए प्रसिद्ध है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और वही पूछा है गलत कौन सा है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अमेजन। निम्न में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लोथल। लोथल जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर था, ठीक है। और ये जो है ये भोगवा नदी होता है, उसके किनारे पे बसा हुआ था। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सल्तनत कालीन मंत्री परिषद से संबंधित युग्म सुमेलित है? तो दीवाने रियासत तो अलाउद्दीन खिलजी का ही था, तो ये भी सही है। दीवाने अमीर को ही मोहम्मद बिन तुगलक, ये भी सही है। दीवाने खैरात जो है ये फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे था, तो ये भी सही है। दीवाने आरी जो है ये सैन विभाग था और ये बलबन के टाइम पे था। किसके टाइम पे था, बलबन के टाइम पे। तो भैया ये सही सुमेलित नहीं है, तो हमको लगता है यहाँ पर नहीं लिखना, ये छोड़ दिए। अगला सवाल है कि नंगजू ओकोंजो इवेला विश्व व्यापार संगठन की महानिदेशक बनने वाली पहली महिला और पहली अफ्रीकी बनी है, उनका संबंध जो है ये किस देश से है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, नाइजीरिया से। इनका संबंध कहाँ से है, तो नाइजीरिया से है। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, भगत सिंह द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। ठीक है,
तो द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जो है ना, ये श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा प्रकाशित किया गया था। बाकी सब सही सुमेलित है। अगला सवाल है कि पाकिस्तान की स्थापना की मांग मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में किया था? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अफगान शेर अली ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह पोर्ट ब्लेयर में किस व्यवसायी की चाकू मारकर हत्या कर दी थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लॉर्ड मेयो। वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, आनंद मठ, जिसका रचना जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर अगड़ने से आती है, उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किसने कहा था? तो भैया ये हो जाएगा आपका भगत सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये भगत सिंह जो है ना लाहौर कोर्ट में ये कहा था। ठीक है, अगला सवाल है कि किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी? तो ये हो जाएगा आपका लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग जो है इसका शासनकाल था 1910 से लेकर के 1916, है ना। इस दौरान जो है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो है ये वायसराय थे, और 1911 में आप लोग जानते हैं कि तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। ठीक है, और इसी टाइम पे जो है भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 महाजनपदों में एक महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित है जिसकी राजधानी थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, पोतन। ठीक है, तो 16 महाजनपद में एक महाजनपद अस्मक भी था, ठीक है, जो कि दक्षिण भारत में स्थित था, और इसकी राजधानी पोतन या पोटली भी बोलते हैं, है ना। गोदावरी वाला जो एरिया है उस क्षेत्र में यह फैला हुआ था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25। सूर्य के उगने से पहले एक सूर्य के डूबने के बाद आकाश में उपस्थित प्रकाश का कारण है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन संयोजी ऊतक नहीं है? तो त्वचा हो जाएगा इसका सही जवाब। त्वचा जो है ये क्या है, संयोजी ऊतक नहीं है। अगला सवाल, दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्न में से कहाँ बनता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रेटिना के पीछे। ठीक है, रेटिना के पीछे जो है दूर दृष्टि में प्रतिबिंब बनता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है कि प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी को दिश्य धारा यानी कि डीसी में बदलने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो एसी को डीसी में बदलना है तो इसके लिए हमको चाहिए होगा रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अगर डीसी को एसी में बदलना है तो इन्वर्टर का आवश्यकता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस तत्व की रासायनिक प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। तो किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति जो है इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। अगला सवाल है कि भाप अंगार गैस किन दो गैसों का मिश्रण होता है? तो ये होता है CO और H2। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, CO और H2। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 31। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान पर क्यों उबलता है? तो ये हो जाएगा आपका, क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है अतः क्वथनांक बिंदु नीचे आ जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि मानव शरीर के भीतर रक्त निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हिपैरिन। तो जो हिपैरिन के कारण जो है ये रक्त नहीं जमता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। निम्न में से कौन सा कीट नहीं है? तो मकड़ी जो है ये कीट नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि डीएनए की दोहरी पेचदार संरचना की खोज किसने की? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है। निम्नलिखित में से कौन सा मेडुला ओब्लॉन्गेटा का कार्य नहीं है? तो पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना ये काम नहीं होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से
किसमें निषेचन की क्रिया होती है? तो अंडवाहिनी में होती है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, अंडवाहिनी में। ठीक है, तो निषेचन की क्रिया जो है अंडवाहिनी, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओविडक्ट बोलते हैं, या इसको फैलोपियन ट्यूब भी बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता, इस गुण का कारण है इसका बहुत उच्च घनत्व। तो ये जो है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बहुत उच्च घनत्व। कैलामाइन निम्न में से किसका अयस्क है? तो जस्ता का अयस्क है। ठीक है, तो कैलामाइन जो है ये जस्ता का अयस्क है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और टीन का अगर हम लोग अयस्क के बोलेंगे तो कैसीटेराइट होता है, और मैग्नीशियम का ब्रोमाइट होता है, और तांबा का क्या होता है? क्यूपराइट होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, परमाणु में अक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑफवो सिद्धांत द्वारा। अगला सवाल है, केशुरुकी उदर का मूलभूत कार्य है, तो ऑप्शन ए भंडारण। रेडियोधर्मिता की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी हेनरी बेकरल। ठीक है, तो रेडियोधर्मिता का खोज करने वाले कौन थे? तो हेनरी बेकरल थे। आगे बढ़ते हैं, दीर्घकालीन ऊर्जा भंडारण के लिए अधिकांश जानवरों द्वारा किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो ऑप्शन बी वसा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूक्ष्म का छिपाक है ना, जेरोथैलीमिया किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए विटामिन ए। ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी घड़े में रखा पानी किस घटना के कारण ठंडा हो जाता है? तो वाष्पीकरण इसका सही जवाब है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है कि निम्न में से किस पारिस्थितिक तंत्र में प्रजातियों की विविधता अपेक्षाकृत अधिक होता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी प्रवाल भितिया। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी फुकून आयोग, राजीव गांधी हत्याकांड। तो ये सही सुमेलित नहीं है, तो जो फुकून आयोग था ये तहलका टेप कांड से जुड़ा हुआ था, तो ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक तथा निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो उपकरणों पर स्वामित्व, इस आधार पर जो है हम लोग सार्वजनिक और निजी में बांट देते हैं। अगला सवाल है कि जूट का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? तो भारत जो है जूट का सर्वाधिक उत्पादन करता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस तिथि को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका 29 जून, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 29 जून, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ये पीसी महालनोबिस थे, बेसिकली उसके लिए मनाया जाता है 29 जून को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, उर्वरक उत्पादन जो है बादामी क्रांति, ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, बाकी कपास उत्पादन स्वर्ण रेशा क्रांति है ना, प्याज उत्पादन गुलाबी क्रांति, आलू उत्पादन गोल क्रांति, बाकी सब सही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट नहीं है, सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑप्शन डी करेक्ट है, आयरलैंड। ठीक है, अगला सवाल है कि लोकसभा का सदस्य निम्न में से किसे संबोधित करके अपना त्यागपत्र देता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता के अधिकार का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 6 हो जाएगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, आर.के. शणमुखम शेट्टी। तो ये जो थे स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। अगला सवाल है कि संविधान संशोधन ने मंत्रिपरिषद के आकार को सदन के कुल आकार के 15% तक सीमित कर दिया,
तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 91st। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णयन से संबंधित है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 262। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। न्यायिक सक्रियता की अवधारणा किस देश में विकसित हुई? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, अमेरिका। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा भाग संविधान की आत्मा माना गया है? तो संविधान का प्रस्तावना हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उच्च न्यायालय का गठन, अनुच्छेद 214। ठीक है, तो अनुच्छेद 214 में बोला गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, और उच्च न्यायालय का जो गठन है ये आर्टिकल नंबर 216 में बात किया गया, तो इसीलिए जो ऑप्शन डी है सही सुमेलित नहीं है। अगला सवाल है कि निम्न में से किसे समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है लेकिन भंग नहीं किया जा सकता है। अगला सवाल है कि 2023 में 49वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ऑप्शन ए करेक्ट है, जापान में। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो 6.4%। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 है कि मोदी ने किस वर्ष तक देश को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है? तो 2047 तक। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मेकांग गंगा सहयोग भारत और कितने अन्य देशों के द्वारा शुरू की गई एक पहल है, मेकांग गंगा सहयोग? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 5। ठीक है, इसमें टोटल 6 देश है, भारत के अलावा 5 और देश है, तो भारत, थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम, कंबोडिया और लाओस, ये 6 देश है टोटल। आगे बढ़ते हैं कि भारत की फिल्म और टेलीविज़न संस्था कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन डी करेक्ट है, पूना में। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार मक्का उत्पादन में बिहार का स्थान क्या रहा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट, तीसरा स्थान रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 है कि लेपचा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सिक्किम। है ना, लेपचा जो है ये सिक्किम में निवास करती है। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? तो ये हो जाएगा आपका विनय कुमार सक्सेना। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, विनय कुमार सक्सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69। अंटार्कटिका में स्थापित भारत के प्रथम ध्रुवीय अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो दक्षिण गंगोत्री इसका सही जवाब है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्टोजेना प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जैव सुरक्षा समझौता से। है ना, तो कार्टोजेना प्रोटोकॉल जो है ये जैव सुरक्षा समझौता से संबंधित है। आप लोग हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।